Assalamu alaikum and hello people, what's up? Welcome back to your show, Kadak Reaction. Memo Chavis. Mohammed Inayat. Okay, so आज हम लोग react करने वाले हैं Quest के ऊपर जिस ड्रामे का नाम है सिन्फे आहान, जिसे गाया है आसिम अजहर ने. और ये एक बहुत ही स्पेशल ड्रामा है बिकॉज इसके जो लीडिंग एक्टर्स हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं. सजल अली, यमुना जैदी, कुबरा खान, रमशा खान, ऑल द लीडिंग लेडीज. There are six, I think, leading ladies in this, and बहुत ही तारीफ है सुनने को मिली है recently. It's about woman empowerment and all those stuff. So let's start the reaction on the OSTs. के बाद इसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. आसिम अजहर का रिसेंट हमने कौन सा किया था? कोई एक उनका कोक स्टूडियो का स्टफ किया था. नहीं, बट यहाँ पर आसिम अजहर को उतने अच्छे तरीके से जानते नहीं इंडिया में. सिर्फ एक ही गाना से जानते थे, वो कौन सा था, गलत फहमी. उसके अलावा उनका एक्चुअल जो उनका टैलेंट है वो आई थिंक इंडिया में लोग नहीं जानते उन्हें. लेट्स स्टार्ट. चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया ना जरिया. किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोजे, झूठी पड़ जाए दुनिया सारी. तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी. Hey.
सिन्फ़े अहन की मैं मतलब सबसे पहले जानूंगा, कैसे कैसे नाम लेके आ रहे हैं ये, जो कि जब पहली बार देखते हैं या फिर यू नो पढ़ते हैं तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना ये भी समझ में नहीं आ रहा कभी कभी। ए केमिकल यूज्ड ऑन डैगर और स्वॉर्ड टू गिव शाइन। अरे वाह 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 ओके 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 गुड। हाउ इंग्लिश सिन्फ़ेन ओके ओके। और कुछ देखते हैं कि ये इसमें आई थिंक इट्स वो इंडिकेट कर रहे हैं अबाउट यू नो प्रिपेयरिंग वुमेन फॉर जो भी करने के लिए या फिर यू नो तू कमज़ोर नहीं है आगे बढ़ जो भी ओएसटी का वो जो मीनिंग था exactly. उसी के बारे में इंडिकेट। सिन्फ़ेन इज बेसिकली एक केमिकल है जो कि उर्दू में कहा जाता है उसको, जो कि स्वॉट पे और दूसरी चीज़ों में जहाँ पे वो डाल के उसको शाइन करने के लिए लगाते हैं वो yeah. तो बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस ये लगाया कि जो ऑलरेडी तलवार हैं ये इनको शाइन करने के लिए बस एक चाहिए बस उतना ही ताकि वो शाइन हो जाए, अदरवाइज वो तलवार तो है ही यहाँ पे yeah. तो या ये एक आर्मी ड्रामा के साथ साथ एक विमेन एम्पावरमेंट के वास्ते भी जो कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल देखिए मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आई टेल यू, क्योंकि ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। ओके एक बिलीफ के माने में जो तो ऑलरेडी एम्पावर्ड वुमेन को एम्पावरमेंट किया गया है। एक अलग बात है कि सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनसे छीनी गई हैं जो कि उनको मिलना चाहिए और उसकी ये पहल कर रहे हैं। एंड दैट्स गुड, उनका अपना कल्चर है वहाँ पे शायद ज़रूरी है बहुत चीज़ें यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा है। और ये आर्मी को लेके इन्होंने जो बनाया है इस चीज़ को, तो बेसिकली क्या है कि एक हो सकता है कि ज़्यादा वो वुमेन सोल्जर्स अपने इसमें चाहें कि मतलब ज़्यादा वुमेन आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि वो भी उनका जो स्ट्रैटेजी होती है थोड़े प्रोग्राम्स में या फिर थोड़े जो टास्क होती है वहाँ पे एक मिशन पे जाते हैं तो ज़्यादातर वुमेन भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से वो जो प्लान कर सकती हैं एक इम्प्रोवाइज कुछ कर सकती हैं वो भी, इसीलिए शायद बिकॉज ऑफ दैट दे वॉन्ट मोर वुमेन टू ज्वाइन, इसलिए भी ये बनाया गया है। उसके साथ साथ क्या है कि लगता नहीं कि ऐसे कुछ लूज एंड्स हैं इसमें, ऐसा नहीं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे नो हाउ टू डू एग्जैक्टली यू नो नेल इट, पता है उनको। और बीच में पाक सरजमीन शादमान वो जो इनका जो नेशनल एंथम वो उसकी भी एक ट्यून आई थी बीच में ट्यून आई थी जब वो व्हेन दे गेटिंग रेडी एंड हु वाज लुकिंग द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज वाज द गाय वाज एक्चुअली ये जो गा रहे थे उन्होंने अपना सब लोगों का जो अटेंशन है बना के रखा उन्होंने वहाँ पे, वेरी गुड एक्सप्रेशंस एंड वेरी गुड थिंग। I think this is one of the OST जहाँ पर ड्रामा को ड्रामा के कॉन्सेप्ट को स्टोरी को यू नो रिवील नहीं किया है, दे हैव ओनली शोन द कैरेक्टर्स और जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं वही, बट उन्होंने ड्रामा को रिवील नहीं किया और बहुत सारे ग्लिम्स ड्रामा के दिखाए भी नहीं गए वो एक प्लस पॉइंट था। और जैसे कि आपने कहा कि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है, सो व्हाट आई थिंक इज के ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं यू नो इन पर्टिकुलर फील्ड्स, बिजनेस फील्ड या फिर इसी तरह ये जो भी यू नो आर्मी हो या फिर यू नो एयरफोर्स हो या फिर इस तरीके की चीज़ों में आई डोंट थिंक कि वहाँ पर नो व्हाट आई एम सेइंग इज़ वुमेन एम्पावरमेंट का जो मैंने जो पहले बोला था व्हाट आई मीन कि एम्पावरमेंट ऑलरेडी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो शो है उसकी मैं बात करूँ तो अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, उनके लिए जो एम्पावर किया गया है जो इनको दी गई है राइट्स वो कि आर वेरी ग्रेट राइट जो कि खुद वुमेन नहीं पहचानते आजकल के तो एक सोच भी है लोगों के पीछे, एक सोसाइटी एक जगह माहौल में एक सोच है कि किसे कितनी यू नो कितनी लिमिट है किसकी कितना ये वो एक सोसाइटी और वो सोच एक तय करती है। आई थिंक वो वुमेन्स को तोड़ के आगे बढ़ के यू नो दे हैव टू डू व्हाट दे वांट, एग्जैक्टली आई थिंक उसके बारे में बहुत सी द बेस्ट पार्ट अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट जो कॉन्टेंट बनता है यहाँ पे एक बेसिकली क्या होता है कि लोगों में से अपना बेस्ट निकालना। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक लहर चली है एंटरप्रेन्योर्स की, जो लहर चली थी यहाँ पे इंडिया में कुछ सालों से 5-10 साल से, तो बैंगलोर जो भी हब है इंडिया का स्टार्टअप्स का, तो यहाँ पे एक शो आया शार्क टैंक जो हम देखते हैं, सबटाइटल मैं भी करता हूँ उसको, तो 2 महीने से जो शो चल रहा है यहाँ पे, वो शो के बाद क्या हुआ है कि जो एम्पावरमेंट उन्होंने दिया है नॉट ओनली वुमेन, हर एक बंदे को यहाँ पे एक लहर दौड़ी है एक शो के बाद, तो एम्पावरमेंट मतलब लोगों को पता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, एक ऐसा एक स्पार्क लगा दें कि थोड़ा लोगों को रिलोड हो जाए वो, तो इसीलिए आई थिंक ये भी वो शो वहाँ पे होगा कि लोगों को थोड़ा स्पार्क लगाएं ताकि लोग समझें। और इट्स अ वेरी वेरी गुड मीडियम, टीवी सीरियल जो होते हैं बहुत अच्छे मीडियम होते हैं ऐसी कुछ अपनी एक बात पहुँचाने तक एक कलेक्टिव वे से एक कंस्ट्रक्टिव मैनर से बताने के लिए, सो आई थिंक उसका इंटेंशन वो है, एंटरटेनमेंट तो है साथ साथ ये भी एक थॉट हो सकता है उसके बीच में उसके पीछे।
बट यस वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड सजय ललित जहाँ पे होंगी वहाँ पे तो ड्रामा को बेस्ट होना ही चाहिए एंड शी हैजन चेंज अ बिट शी इज द सेम द इंटेंसिटी एंड एवरी शो व्हाट यू वॉच सी शी सीम्स डिफरेंट कहाँ कहाँ देखते हो आप वहाँ पे चेहरा सेम है लेकिन फिर भी एक पर्सनैलिटी अलग लगती है उनकी अलग अलग वो अपने हिसाब से वो ढाल लेती हैं वो एंड ये इसलिए नहीं है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगले जो पांच एक्टर्स हैं वो कम है या कुछ नहीं नहीं बिकॉज सजल ललित का ज्यादा स्टफ हमने देखा है exactly. इसीलिए हम लोगों को लगता है और यमुना जैदी के बारे में बोलना चाहूंगा शी इज ऑल्सो डेफिनेटली अमेजिंग एक्टर परिजात में जो उन्होंने काम किया है ना वो देखने के बाद आई जस्ट बिकम फैन ऑफ हर ऑल्सो बिकॉज यू नो हर पाकिस्तानी एक्ट्रेस जैसे कि इकरा अजीज को हम लोग पहले देखते थे जैसे स्टार्टिंग तो हम लोग एक पसंद आने लगी फिर सजल अली आई अब फिर यू नो दे आर ऑल द एक्टर्स आर सो गुड इन देयर वर्क कि उनको कहीं पर भी हम लोग नीचे ऊपर नहीं कर सकते और आई थिंक यहां पे जो छह नाम है ना छह नाम भी एक अमेजिंग स्टार कास्ट एंड या देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल टू आवर व्यूअर्स ओके डू नॉट जज हमारे रीजन में जो कंजम्पशन होता है इसका जो टीवी शोज का पाकिस्तानी ड्रामास का डोंट जज कि जितनी हमारी नॉलेज है उतनी दूसरों की भी नॉलेज है ऐसा नहीं है यहाँ पे ये जो सारे नाम है ये हाउस होल्ड नेम्स हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं हमसे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं घरों की जो औरतें हैं लड़कियां हैं जो कि आजकल हैं दे आर पीपल वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानते हैं इतना कि आई डोंट थिंक सो उनके खुद के शेयर वाले नहीं जानते होंगे आई मेट सम पीपल रिसेंटली वो तो ऐसे ऐसे नाम ले रहे थे ऐसे ऐसे ड्रामास के नाम ले रहे हैं ओएसटीज के हम मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा वो डू नो व्हाट वी वॉच दैट वीडियो हमने बनाई थी वीडियो एक जहाँ पे 100 ओएसटीज थे टॉप हंड्रेड ओएसटीज थे मेरी बहन है कजिन है वो देख रही थी वो मैंने उसको बोला कि एक काम करो तुम तो पाकिस्तान के फैंस हो ये भी देखो मेरी वीडियो तो बनाई है हमने एंड शी लाइक व्हाट तुमको ये नहीं पता हाँ तुमको ये नहीं पता एंड शी लाइक वो गुनगुना रही है बीच में वो ऐसे ऐसे ओएसटीज उनको पता है और शी एक्चुअली आउट नंबर्ड अस जो हमने स्कोर किया था उसको स्कोर तोड़ दिया उन्होंने वहाँ पे एंड शी इज उतना फॉलो करते हैं वहाँ पे उनके घर में इंटरनेट भी नहीं है कनेक्शन ब्रॉडबैंड नहीं है वो फोन का जो होता है डेली डेटा वो 1 GB का आता है उसमें ही देखते हैं वो बट अगेन उतना देखने के बाद भी शी इज सो मच इनटू द ड्रामास सो लाइक यू सेड के हमको दूसरों के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की जस्ट बिकॉज कि हमको नहीं पता हमारे रीजन में यहाँ पे इट्स बीइंग वाइडली फॉलोड वाइडली कंज्यूम थ्रू यूट्यूब एंड लॉट ऑफ अदर चैनल्स जो पे यहाँ पे हैं और जब हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखते थे तब जब किसी घर में पाकिस्तानी ड्रामा चलता भी तो मुझे आइडिया नहीं होता है तो मुझे पता नहीं चलता ये पाकिस्तानी ड्रामा ये लोग देखते हैं जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो हमें पता लग एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि दिस इज अ इंडियन कैटेगरी और ये एक पाकिस्तानी कैटेगरी है सो आज जब मैं बैठ के यू नो कुछ नाम सुनता हूँ या फिर कोई टॉपिक चल रहा है फिर कोई सुन रहा है तो मैं खासकर यू नो बहुत सारे गॉसिप क्वींस के बीच में रहता हूँ बिकॉज मेरा काम ही उसी तरीके का है इवेंट्स में वगैरह वगैरह जो गॉसिप्स चलते हैं एंड ऑल तो मैं सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार हम लोगों को कुछ नहीं पता एग्जैक्टली इंडिया में उतना कंज्यूम हो रहा है पाकिस्तानी ड्रामा माय मदर इज वाचिंग सो मच मैंने रिसेंटली टीवी ऑन की मैंने ऑन करके बहुत दिनों के बाद आई वाज जस्ट चेकिंग द रिसेंटली वॉच जो वीडियोस थे सारे पाकिस्तानी ड्रामा एंड यू गो टू द कमेंट सेक्शन आल्सो इन द पाकिस्तानी ड्रामास एंड ऑल इंडिया कमेंट्स में आपको ऑलमोस्ट इंडियंस दिखेंगे वहां पे या हो रहा है और हम लोग काफी पीछे हैं ना आ जाएंगे सी इंडियंस आर वेरी गुड इन अवे हमारे हिसाब से बहुत हैं द बेस्ट पार्ट इज कि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा आइडियाज़ और पाकिस्तान में क्या है कि टैलेंट ऑलरेडी भरा पड़ा है वहाँ पे और इंडिया में भी शायद वो उनको मौका मिल जाए ऐसे लोगों को तो भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं और रीजनल शोज़ में वो कर रहे हैं रीजनल शोज़ में वगैरह दे आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं जो उनकी राइटिंग स्किल्स हैं वो दिखा रहे हैं वेब सीरीज पे और यूट्यूब के अपने अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं वो टेलीविजन में क्या हुआ है कि अभी एक सेक्ट है जो कि अभी वो ऐसे कंटेंट में मूव नहीं हुआ है इट विल टेक सम टाइम फॉर देम अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं एक ऐसे स्टोरीज को लेकिन ऐसा नहीं कि पीछे हैं दे आर एक्चुअली ट्राइंग रियली हार्ड अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आगे आ रहा है इंडियन टीवी सीरियल में गुड थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग सीरियल्स के बारे में सो रिसेंटली आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द पाकिस्तानी व्यूअर जो सब्सक्राइबर वो मुझे कमेंट कर रहे थे वो एंड आई एम सॉरी उनका नाम मुझे याद नहीं उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देखते हो तो मैंने कहा कि जब भी वक्त मिलता है
तब देखता हूँ, लेकिन हम इंडियन ड्रामास बहुत देखते हैं. सो उन्होंने कुछ नाम लिए जैसे कि नागिन हो गया हमारा, हमारे जो बहुत सारे अनुपमा का कुछ नाम बोला था उन्होंने, आई डोंट नो व्हिच शो इज दैट. ऐसे बहुत सारे शोज थे जिसके नाम बोले और उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये वन ऑफ द टॉप रेटेड शोज हैं जो हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में. वो बोल रही थी कि हम लोग पाकिस्तानी स्टफ बहुत कम देखते हैं बट इंडियन शो ज्यादा देखते हैं. सो दे आर ऑडियंस डिवाइडेड यहाँ पर भी और वहां पर भी, कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि इंडियन कंटेंट ज्यादा देखते हैं पाकिस्तानी कम देखते हैं, वहां पर कुछ ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट ज्यादा देखते हैं पाकिस्तानी कम देखते हैं. इट्स ऑल मिक्स्ड अप. आई टेल यू समथिंग, व्हाई डू द वीडियोस व्हाट वी मेक गेट लेस व्यूअर्स व्यूज फ्रॉम इंडिया देन पाकिस्तान और फ्रॉम अदर रीजन्स? व्हाई? द बेसिक रीजन इज कि पीपल ऑलवेज वॉन्ट टू नो हाउ देयर थिंग्स आर बींग टेकन इन अदर कंट्रीज. और उसके बाद ये जो बेसिक सीरियल्स का जो यहाँ वहाँ एक्सचेंज हो रहा है क्या है कि देखिए एज अ वर्ल्ड हमारे प्रॉब्लम्स एक सारे एक ही जैसे हैं हमारे साथ. जो घरेलू प्रॉब्लम्स हों, जो कि फैमिली के भाई भाई के झगड़े, माई बाप के झगड़े, माँ के बहन के झगड़े, ये जो भी होते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन लाइफ के अंदर, एक इंसान अगर हम बोलें तो इंसान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पीपल को बहुत क्यूरियोसिटी है कि एक अलग कल्चर के लोग जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो किस तरह से उसको देखते हैं, किस नज़रिए से उसको देखते हैं और कैसे उनका दिमाग प्रोसेस होता है उस चीज़ों को सॉल्व करने में. और उन चीज़ों को मतलब बेसिकली क्या है कि सोसाइटी को, हमारे सोसाइटी हम देखते हैं, किसी को देखो तो हमको पता है, लेकिन हमारे ही प्रॉब्लम्स जो कि सेम है ओवरऑल वर्ल्ड, अगर आप कैनेडा जाएँ तो वो भी वहीं पर है वैसा. तो हाउ दिस पर्टिकुलर कल्चर tries to process the problems of जो day to day life के problems होते हैं, जो कि बड़े बड़े छोटे छोटे भी होते हैं, वो life के terms, वो किस तरह से process करते हैं उस चीज़ को. I think which is the exchange of culture जो हो रहा है वो एक high level पे, and that is the only reason क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पर hit हो रहे हैं. मैंने देखा अनुपमा तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें तो अनुपमा की और से बहुत सारे shows की वो तो हम देखते आ रहे हैं. अगर हम बोलें तो गुजराती का जो गुजराती और हो जाए महाराष्ट्रियन कल्चर हो जाए, ये तो 2001 से जो क्योंकि साजिब की बहुत ही के बाद में जो आया था दैट इज़ वेल टेकन इन इंडिया. अभी क्या है कि थोड़ा सा उनको और देखना है, तो नाउ दे आर ट्राइंग टू नो के अपने लव स्टोरीज़ हो जाए, साजिबों की झगड़े हो जाए, या फिर एजुकेशन के, एम्पावरमेंट के जो भी हो, और आर्मी के जो भी जो सारे सारे जो जॉनर्स हैं उसको कैसे प्रोसेस करते हैं ये लोग. क्योंकि सीरियल्स से ही हमको पता लगता है कि एक आगे वाला इंसान सोचता कैसे है, हमको वो प्रोस्थार्पोस मिलता है. आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई इट इज़ देयर. और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे तो कंटेंट का जो भरमार है यहाँ पे तो ज़्यादा है ही, यहाँ पे ज़्यादा तो देखते ही हैं. ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिया में भी अनुपमा इज़ ग्रेट, डूइंग रियली रियली ग्रेट. और प्रॉब्लम क्या है कि अनुपमा और जो शोज़ यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये सैटेलाइट टेलीविजन से ज़्यादातर देखा जाता है, इन शोज़ को कंज्यूम किया जाता है सैटेलाइट टेलीविजन से. वहाँ पे एक देयर आर सम चैनल्स आल्सो देयर, इंडियन चैनल्स. अच्छा, हर जगह रीब्रांडिंग किया है. She said about that only. वो लोग चैनल में ही देखते हैं और काफी YouTube भी यूज होता है करके. The problem, the main problem is that के इंडिया में मोस्टली जो टीवी सीरियल्स होते हैं वो सैटेलाइट टेलीविजन के साथ, 80% के जो इंडिया के लोग हैं वो कि विलेजेस में रहते हैं और वहाँ पर इंटरनेट का इतना बड़ा जो ब्रॉडबैंड हमको जो मिलता है ताकि हम एक मूवी देख लें HD में जो 3 GB की हो जाए, वो वहाँ पर ऐसा चलता नहीं वहाँ पर वैसे अभी के लिए भी. तो बहुत सारे और वहाँ पे इंडियन शोज़ को नापना एक व्यूज़ के हिसाब से, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. यहाँ पे TRP तो होती है लेकिन उसका एक अपना मेथड होता है जो कि एक्यूरेट होता है, सिर्फ 80% या 85% 100% एक्यूरेट नहीं होता वो सिस्टम हो, तो इसीलिए वो उसको काउंट नहीं कर पाता कि कौन सा ज़्यादा चैनल देखा जा रहा है. TRP जो एक मेथड है उसमें करके वो कर देते हैं वहाँ पे. बट अगर ये सब कुछ एक इंटरनेट के पर सब कुछ हो जाए, जो टेलीविजन चैनल हट जाए, तब हम समझ पाएंगे कि इंडिया में भी इंडियन जो कंटेंट है ज़्यादा ही देखा जाता है यहाँ पे. तो द थोड़ा ऑनर से अरुण मैंने क्या बोला समझा के नहीं, पता नहीं लोगों ने बस ऐसे ही बोल दिया, पता नहीं कुछ. ओके या सो सिन्फे आहान, आई थिंक अमेजिंग OST. आसिम अजहर का मोना बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक वो ऐसे यू नो उनके जो लाइन्स थे बहुत ही इफेक्टिव थे और बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा था उनका जो भी जिस तरीके से क्रिएट किया गया था OST. मैंने जैसे पहले बोला कि ड्रामा का ज्यादा रिवील नहीं किया गया है बट आइडिया मिल गया कि किस तरीके का ड्रामा होगा. एक चीज लास्ट में यार, आई जस्ट थॉट के जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग लिरिक्स थे उसका जो ट्यून था वहाँ पे, वो जो अपना जो केसरी का गाना था तलवारों पे रे, जो मनोज मुंतशिर ने लिखा था उसमें, मुझे वैसा लगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में. अंगने जिस्म जलाया है तब जाके हमने ये
केसरी, वो लगा मुझे हाँ। थोड़ा सा वो लगा, बस लगा यार ऐसे कॉपी क्या लगा नहीं, बट लगा वो ऐसे वो सिमिलैरिटीज निकल, सिमिलैरिटीज निकल के आए स्टार्टिंग। उसके बाद का जो ओरिजिनल लगा, ये जो स्टार्टिंग का था जो ट्यून लगा हाँ। जो देशभक्ति का जो आया था, वो थोड़ा यहाँ पे इंस्पायर्ड लगा मुझे, बट इट्स फाइन, इट हैपेंस। यस सो दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन सिनफे आहान ओएसटी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दी हैं। दिस इज मोहम्मद शाबिस साइनिंग ऑफ।